हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रूपा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज कोल्हापुरी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में। वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। बगल में बेल आइकॉन का बटन है, उसे भी प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वेज कोल्हापुरी गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दिया है, तेल डाला है। आप कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 2 दालचीनी, 1 चम्मच जीरा, लवंग 2 और मिरे 2। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का सा गर्म होने के बाद 2 लंबे आकारों में मैंने प्याज कट करके डाला है। प्याज का कलर यहाँ पे चेंज नहीं करना है, गैस का फ्लेम धीमा ही रखें। हल्का सा प्याज का कच्चापन निकल जाएगा। तो अब हम डालेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के छोटे छोटे टमाटर डाले हैं, लंबे आकारों में कट करके। उसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अब मैंने डाला है लहसुन की कलियाँ 4 से 5, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच मगज के बीज। मगज के बीज के बदले में आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, अच्छे से पका लेंगे। पकने के बाद गैस का फ्लेम बंद करेंगे। मिक्सर में सारे मसालों को हम निकाल देंगे। मिक्सर में सारे मसाले डालने के बाद नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर किचन किंग मसाला 1 चम्मच डाला है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, दही 2 चम्मच। इन सबको अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा तेल। जो मिक्सर में हमने मसाला बारीक पेस्ट बना लिया है उसे हम अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनने के 5 से 10 मिनट के बाद गैस का फ्लेम बंद करेंगे। अब दूसरी कढ़ाई गैस के ऊपर रखने के बाद उसमें डालेंगे तेल, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, अदरक का 1 इंच टुकड़ा कट करके डाल दिया है, 1/2 शिमला मिर्च, फूलगोभी। आप आपके पसंद से सब्जियाँ डाल सकते हैं। वेज कोल्हापुरी में एकदम रेस्टोरेंट के स्टाइल में ये बना है फ्रेंड्स। तो बीनीस डालेंगे, गाजर डालेंगे, हरे मटर बाज़ार में बहुत सारे आए हैं, हरे मटर को भी डाल देंगे। सारी सब्जियां डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर डाला है मैंने 1/2, अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च डालेंगे 1 कट करके। पनीर 100 ग्राम डाला है मैंने। अब हल्का सा गैस के फ्लेम को हम बढ़ा देंगे और सारी सब्जी को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। मैंने डाला है हींग, 2 चुटकी हींग डालेंगे, 2 से 3 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। किचन किंग मसाला हल्का सा, वो भी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़े से सब्जियों को तेल में ही पका लेना है। अब जो हमने प्यूरी बनाकर रखी थी, टमाटर प्याज इन सब का पेस्ट बना कर रखा था, वो डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे पानी, जो मिक्सर में पेस्ट बना लिया था है मैंने, वही पानी डाल दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर रख के सारे सब्जियों को हम पका लेंगे। यहाँ पर हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, एकदम ढाबा स्टाइल में वेज कोल्हापुरी की रेसिपी बना रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर अच्छे से पक गई है वेज कोल्हापुरी सब्जी, बनकर तो तैयार है। हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ग्रेवी आपके अंदाजे से, आपके हिसाब से रख दीजिए। यहाँ पर देखिए बनकर तैयार है वेज कोल्हापुरी। अब हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाले हैं। तो दूसरी कढ़ाई रखेंगे गैस के ऊपर, 1 से 2 मिनट हम पका लेंगे पहले सारे ग्रेवी को। अब एक डिश में निकाल देंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देना है। यहाँ पर एक डिश में निकाल देंगे। अब हम तड़के के लिए, एकदम जब हम होटल में जाते हैं तो कहते हैं हमें ग्रेवी थोड़ी सी मीडियम चाहिए, स्पाइसी चाहिए, तो होटल रेस्टोरेंट में इस तरह से करते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 से 2 चम्मच घी डाला है। अब डालेंगे सूखी लाल मिर्च, हल्का सा
घी को हमें गरम कर देना है। घी जैसे ही हल्का सा गरम हो जाएगा उसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर गैस बंद करने के बाद डालिएगा, नहीं तो जल जाएगा। अब ये तड़का हमने जो डाला है वो सब्जी में डाल देंगे। तो अब बन गई है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में वेज कोल्हापुरी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।